अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर मऊगंज में आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर अवैध मदिरा जब्त की गई। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने बताया कि कार्य योजना बनाकर आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नई गढ़ी जयसवाल बस्ती एवं ग्राम बरेहा डावर में अवैध मदिरा जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा आरोपी प्रीति जयसवाल के मकान से 80 किलोग्राम महुआ लाहन, सुविती जयसवाल के मकान से 1000 किलोग्राम महुआ लाहन, बुद्धसेन जयसवाल के मकान से 100 किलोग्राम महुआ लाहन, सुदामा जयसवाल के मकान से 220 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 7500 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद हुआ। आबकारी विभाग द्वारा ग्राम बरेहा डाबर में प्रेमवती लोनिया के मकान से 5 लीटर महुआ शराब, जगसरन उर्फ बनारसी लोनिया के मकान से 5 लीटर महुआ शराब एवं गुल्ली लोनिया के मकान से 100 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34 के तहत प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया है। संशोधित 2000 की धारा 34 के तहत प्रकरण कायम कर प्रकरण विवेचना में लिए गए। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर द्वारा बताया गया कि जिले में अवैध मदिरा के आसवन, विक्रय, परिवहन एवं संग्रह के विरुद्ध आबकारी विभाग रीवा द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 13 प्रकरणों में 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब एवं 8100 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 4,06,000 है। छापामार कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी लोकेश सिंह ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक मनोज कुमार बेलवंशी, गोकुल प्रसाद मेघवाल, अभिषेक त्रिपाठी, आशीष शुक्ला, मुख्य आरक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह, आरक्षक विद्या सिंह, महेंद्र सिंह, देव प्रकाश तिवारी, नगर सैनिक मनोज दुबे, राजेंद्र मिश्रा एवं पुलिस लाइन का स्टाफ शामिल रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।